हेलो गाइस, मेरा नाम है सम्राट सिंह। एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि तीर्थन वैली क्या है और यहाँ आपको क्यों घूमना आना चाहिए। यहाँ पर आप एरोप्लेन, ट्रेन, बस, टैक्सी और अपनी पर्सनल कार और बाइक से कैसे आ सकते हो। यहाँ पर आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कितने दिन के लिए आपको यहाँ पर अपना ट्रिप प्लान करना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम होता है यहाँ पे विजिट करने के लिए, स्नोफॉल कब होती है, रहने के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है, इन सब की कॉस्ट अलग अलग क्या होती है, वेज और नॉन वेज में आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है खाने के लिए और इनकी कॉस्ट क्या आती है, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि पर पर्सन आपको यहाँ कितना खर्चा पड़ेगा। तीर्थन वैली जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, तीर्थन वैली बहुत अनोखी, खूबसूरत और शांत जगह है जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप लोग शहर में रहते हो तो आपके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं होने वाली, क्योंकि कसोल, मनाली, खीर गंगा जैसी जगहों पर तो हर साल बहुत लोग जाते हैं, लेकिन तीर्थन वैली की खासियत ये है कि यह जगह अभी तक अछूती है और इसे अभी तक किसने भी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, जिस वजह से यहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी। तीर्थन वैली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है जो लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं या फिर शहरों की भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून के पल जीना चाहते हैं। तीर्थन वैली में चार चांद लगाती है तीर्थन रिवर, जिसके किनारे पूरी वैली बसी है। ये रिवर प्राचीन हंसकुंड के ग्लेशियर से पिघल कर आती है, जिसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। आप इस रिवर में नहा भी सकते हो। तीर्थन वैली में आपको बहुत सारे हिडन वाटरफॉल, क्लाउड किस माउंटेन, कैंपिंग अंडर द स्टार और भी बहुत सारी जगह है जिनके बारे में मैं आपको एक एक करके आगे बताने वाला हूँ। तीर्थन वैली में आप कपल, फैमिली, दोस्त और वो लोग जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम हनीमून घर में ही बना लिया, या फिर आप हनीमून के लिए कुछ न्यू और अलग सी जगह सोच रहे हो, तो यार ये वैली आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या है। पहला, एरोप्लेन। तीर्थन वैली के नियरेस्ट एयरपोर्ट भुंतर है। यहाँ से तीर्थन वैली का सफ़र 54 किलोमीटर रह जाता है, जो कि आपका 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। इस सफ़र को आप यहाँ से कैब और टैक्सी से कंप्लीट कर सकते हो, जो कि आपसे 800 से लेंगे 1000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। सेकंड, ट्रेन। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ है। यहाँ से तीर्थन वैली का सफ़र 258 किलोमीटर का रह जाता है, जिसको कंप्लीट करने में आपको 7 से 8 घंटे का टाइम लगेगा। आप चंडीगढ़ से चाहो तो मनाली वाली बस पकड़ सकते हो और आपको और टनल पर उतर जाना है। और टनल से आप चाहो तो टैक्सी या बस तीर्थन वैली जा सकते हो, जिसका किराया 40 रुपये से 50 रुपये पर पर्सन होता है। थर्ड ऑप्शन है टैक्सी। आप चाहो तो चंडीगढ़ से सीधा तीर्थन वैली के लिए कोई टैक्सी हायर कर सकते हो। प्राइस आप उसे डिस्कस कर लेना कि वो कितना रुपये चार्ज करेगा, या फिर डायरेक्ट आप अपने घर से टैक्सी में आ सकते हो। फोर्थ, कार और बाइक। आप यहाँ पे इजिली अपनी पर्सनल कार या बाइक से आ सकते हो। सिंपली आपको गूगल मैप पे डालना है बंजार या फिर तीर्थन वैली। आपको अपने साथ एक्स्ट्रा पेट्रोल रखने की भी कोई नीड नहीं है। यहाँ पे विजिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है? वैसे तो आप साल में यहाँ पे कभी भी विजिट कर सकते हो, किसी भी मंथ में। यहाँ पे ऑलवेज आपको ठंड देखने को मिलेगी, बट अगर आपको स्नोफॉल देखनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग दिसंबर एंड में आए, और दिसंबर के कुछ दिन और लास्ट के, और आपको पूरी जनवरी स्नोफॉल देखने को मिलेगी। अब सपोज दैट आप लोग तीर्थन वैली पहुँच चुके हो तो आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है वहाँ पे स्टे करने के लिए। पहला, होटल, जिसकी स्टार्टिंग 1000 रुपीज़ से होती है। सेकंड है होम स्टे, जिसकी स्टार्टिंग 800 रुपीज़ से होती है। थर्ड है हमारा कैंपिंग, जिसकी स्टार्टिंग 1000 रुपीज़ से होती है। कैंपिंग के अंदर आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और नाइट का डिनर इंक्लूड रहता है, विद डीजे बॉम फायर के साथ में। अब जो लोग वाइन वगैरह पीना चाहते हैं तो उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नियर बाय आपको वाइन शॉप मिल जाएगी। वैसे तो आप तीर्थन वैली में कहीं भी स्टे कर सकते हो, बट अगर आप लोगों के साथ में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने कैंपिंग की थी। अगर आप लोग भी कैंपिंग करना चाहते हो तो आपको सीधा कास एडवेंचर कैंपिंग साइट पर जाना है। पुष्पेंद्र वहाँ के ओनर है, ये उनका नंबर है। आप चाहो तो सीधे इनसे फोन पर बात कर सकते हो प्राइस के रिगार्डिंग। अब जो लोग होम स्टे या फिर होटल में स्टे करना चाहते हैं तो वो भी इनसे फोन पर बात कर सकते हैं, या आपको अपने आसपास में जो भी बेस्ट होगा आपके लिए बता देंगे। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा वहाँ पर कुछ भी। यहाँ पे कैंपिंग करने के मुझे डिफरेंट फायदे मिले। पहला, एक तो यहाँ से मेरा रोड मैप घूमने का बहुत इजीली बन गया था। 2 दिन के अंदर मैंने ऑलमोस्ट पूरा तीर्थन वैली घूम लिया था, बट हाँ कुछ चीज़ें रह गई थी जहाँ मैं नहीं जा पाया था, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था। सेकंड बेनिफिट ये था कि यहाँ पे हमने फिशिंग की थी, एंड हमारी जब भी मॉर्निंग होती थी तो हम अपनी चाय लेके सीधा तीर्थन रिवर के साइड में जाते थे और वहीं अपनी चाय पीते थे फुल इंजॉयमेंट के साथ में। एंड जब भी मुझे नहाना आता था तो मैं बाथरूम में ना जाके सीधा तीर्थन रिवर में डुबकी लगाता था,
जो पानी एकदम क्लियर होता था। मेरे पास एक वाटर प्रूफ एक्शन कैमरा था, तो मैं उसके साथ ही जब भी मतलब कि पत्थर से पानी में जंप लगाता था तो मैं अपनी वीडियो बनाता था। अगर आप लोगों के पास भी एक वाटर प्रूफ एक्शन कैमरा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, आपकी बहुत अच्छी मेमोरी वहाँ पर बनेगी। एंड थर्ड, मुझे यहाँ का जो खाना है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, खाने के अंदर बिल्कुल घर वाली फील आती है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि जब आप लोग यहाँ पे जाओगे तो ये आप लोगों को एक ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि आप लोग इनके एक फैमिली का हिस्सा हो। फोर्थ बेनिफिट मुझे ये मिला यहाँ पे कि जैसे कि मुझे कुछ स्पेशल खाना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे रात को भैया को बोला कि भैया हमको रोज़ रात को चिकन खाना है, तो भैया ने रोज़ हमारे लिए चिकन बनाया रात को। तो ऐसे ही अगर आप लोग कुछ स्पेशल बनवाना है तो आप लोग इनको बता सकते हो, ये आपके लिए वो बना देंगे। ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ पे स्टे करने का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। चलिए अब एक एक करके उन जगह के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पे आपको घूमना है। आप अगर चाहो तो यार मेरा रोड मैप भी फॉलो कर सकते हो घूमने के लिए। तो सबसे पहले दिन मॉर्निंग में सबसे पहले आप जा सकते हो छोई वाटरफॉल, जिसका डिस्टेंस कास एडवेंचर से 2 से 2.5 किलोमीटर का है। यहाँ पे आप बाइक से या कार से 5 से 6 मिनट में पहुँच जाओगे। छोई वाटरफॉल की ट्रैकिंग है 3 किलोमीटर की, जिसको कंप्लीट करने में आपको 30 से 45 मिनट का टाइम लगेगा। ट्रैकिंग करते टाइम आपको एक छोई देवता का पेड़ मिलेगा जिसकी वहाँ के लोकल लोग पूजा करते हैं। छोई वाटरफॉल एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है जिसका पानी काफ़ी ज़्यादा हाइट से गिरता है। इसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है एंड इसके चारों तरफ आपको बड़े बड़े हरे भरे पहाड़ दिखाई देंगे। जब इस वाटरफॉल की पानी की बूंदें आपके फेस पे गिरती है ठंडी ठंडी, तो आपको यार बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। आप चाहो तो इस वाटरफॉल का पानी पी भी सकते हो, इस पानी के आगे आपके घर के आर ओ प्योरीफाई सब फील हो जाएंगे। छोई वाटरफॉल से आप सीधा जा सकते हो सरची विलेज। छोई वाटरफॉल से सरची विलेज का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का है, जिसको कवर करने में आपको 1 घंटे का टाइम लगेगा। सरची विलेज सरची पहाड़ों में 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खूबसूरत गाँव है। यहाँ के लोग आज भी घर बनाने के लिए लकड़ी का यूज़ करते हैं। यहाँ आपको 100 से 200 साल पुराने लकड़ी के बने घर दिख जाएंगे, जिन पर लोग बहुत खूबसूरत पेंटिंग बना के रखते हैं, जिस वजह से पूरा विलेज आपको कलरफुल लगेगा देखने में। इस विलेज के चारों तरफ आपको सेब और संतरे के पेड़ दिख जाएंगे। ये विलेज हिमालयन बर्फ के पहाड़ों से पूरा घिरा हुआ है, जिस वजह से यहाँ का मौसम ऑलवेज ठंडा रहता है। और अगर आप दिसंबर या जैन में आते हो तो आपको यहाँ पर स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आपको बहुत पुराना माता का मंदिर भी दिखेगा, जिसके साइड में एक बहुत बड़ा तालाब है। आप चाहो तो इस मंदिर के दर्शन भी कर सकते हो। यकीनन इस विलेज की सुंदरता और यहाँ से दिखने वाला आसपास का सारा व्यू आपका दिल जीत लेगा। सरची विलेज पूरा घूमने के बाद आप लोग सीधा जा सकते हो जिम्बाला विलेज, जिसकी दूरी सरची विलेज से सिर्फ 1 किलोमीटर की है। बट 500 मीटर चलने के बाद सड़क का एंडिंग पॉइंट आ जाता है। बट आपको 10 मिनट की ट्रैकिंग करनी है जिम्बाला विलेज जाने के लिए। इसके आगे का सफर आपका एडवेंचर से भरा होगा। आई होप कि जब आप लोग जिम्बाला विलेज की ट्रैकिंग करोगे तो आपको ये 2 बच्चे मिल जाए, हेमराज और ललित। जब हम वहाँ गए थे तो आगे का सफर हमारा इन बच्चों ने ही करवाया था, इन्होंने हमको बहुत अच्छे से गाइड किया था। ये बच्चे दिखने में बच्चे बट सीरियसली ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। जब आप लोग जिम्बाला विलेज पहुंच जाओगे तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे बच्चे देखने को मिलेंगे, जिनके लिए आप चाहो तो यार नीचे से चॉकलेट लेके आ सकते हो। एंड वो चॉकलेट उनके चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल देगी एंड आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। सिर्फ बच्चे ही नहीं, जब आपको वहाँ के लोग देखेंगे तो वो आपको अपने घर में चाय और पराठे के लिए इन्वाइट करेंगे, जिसका वो आपसे कोई पैसा नहीं लेते। बट हाँ, अगर आप चाहो तो अपनी मर्जी से उनको पैसे दे सकते हो। बिलीव मी, यहाँ के बच्चे और लोगों से मिलने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा एंड आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपने घर से दूर आए हो। बिकॉज ये लोग आपको कुछ इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि लाइक आप इनकी एक फैमिली का हिस्सा हो। यह खूबसूरत जिम्बाला विलेज पहाड़ों की वादियों के बीच में है। जिम्बाला विलेज घूमने के बाद आप सीधा जा सकते हो मैदान। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 15 मिनट की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। मैदान पहुँचने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आप शायद किसी जन्नत के एंट्री गेट पर आ गए हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस पहाड़ पर आप खड़े होंगे वो पूरा घास का मैदान होगा और आपके नीचे सारे बादल होंगे। यहाँ खड़े होने के बाद आपको सिर्फ चारों तरफ बर्फ की चादर से ढके हिमालयन पर्वत दिखाई देंगे। यहाँ से आपका 360 डिग्री व्यू भी बनता है। इसके अलावा यहाँ आपको अनेक प्रकार के फूल और बर्ड्स दिखाई देंगी। दुनिया की भीड़ भाड़ से लग ये जगह बहुत ही शांत जगह में से एक है।
यहाँ आपको इंसान और इंसान द्वारा बनाए गए कोई चीज नहीं दिखाई देगी, सिर्फ दूर दूर तक आपको प्रकृति की सुंदरता दिखाई देगी। यह जगह आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस जगह के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। जब आप यहाँ से घूमकर निकलोगे तो ऑलमोस्ट 6-7 बज जाएंगे रात के। आपने जहाँ अपना स्टे किया था तो आपको सीधा वहीं चले जाना है, बट जिन लोगों ने कैंपिंग की है वो सीधा अपने कैंप में जाकर बोनफायर का मजा ले सकते हैं। आप वहाँ पर जाकर अपने दोस्त गर्लफ्रेंड वाइफ के साथ खूब डांस कीजिए, डांस कर करके पहाड़ तोड़ देना। नहीं, पहाड़ मत तोड़ना यार, आप गिर जाओगे। अब जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं तो उनको दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सिंपली कास्ट एडवेंचर कैंपिंग में जाकर वहाँ के ओनर को बोल देना कि भैया हमको रात को थोड़ा अपना मौसम बनाना है, तो वो आप लोगों के लिए अरेंजमेंट कर देंगे। बट अगर आप चाहो तो खुद भी अपने हैंड से लेके आ सकते हो, वहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही आपको वाइन शॉप मिल जाएगी। आप जब आसमान में देखोगे तो आपको बहुत सारे स्टार दिखाई देंगे, जिनको देख देख कर आपकी नज़रें वहाँ से नहीं हटने वाली। तो यार, खुलकर उन हसीन पलों को जियो, क्योंकि लाइफ हर किसी को ही मौका नहीं देती। आपको मिला है इसका मतलब आप लकी हो। इसके बाद आपको अपना डिनर करके सीधा सो जाना है। फिर आता है आपका सेकेंड डे। अब यार, जिन लोगों की फर्स्ट कैंपिंग होगी ये, तो उनके मन में भी ये डाउट होता होगा कि यार वॉशरूम वगैरह का क्या सीन होता है। तो यार, आपको मैं क्लियर कट बता देता हूँ कि अगर आप लोग कास्ट एडवेंचर कैंपिंग में रुकते हो तो आपका रहना कैंप में होगा, बट जो यहाँ का वॉशरूम है, जैसे वॉशरूम आपको होटलों में देखने को मिलते हैं, वैसा ही यहाँ पे बहुत अच्छा वॉशरूम बना हुआ है। और एक ही नहीं है, 3-4 यहाँ पे वॉशरूम बने हुए हैं अलग अलग। यहाँ आपको नहाने के लिए 2 ऑप्शंस मिलते हैं, पहला गर्म पानी जो कि आपको बाथरूम में मिलेगा, एंड सेकंड खुद तीर्थन रिवर। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सीधा तीर्थन रिवर में डुबकी लगा देना। हाँ, पानी थोड़ा सा ठंडा होगा, बट आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, एंड गहरा तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपकी हाफ बॉडी ही पानी के अंदर रहेगी। नहाने के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करना, उसके बाद आप सीधा जा सकते हो जलोरी पास, जिसका डिस्टेंस कास्ट एडवेंचर से 25 किलोमीटर का रह जाता है, जिसको आप 1.5 से 2 घंटे में कवर कर लोगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो ट्रैक आप यूज करोगे वो दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रैकों में से एक होगा, तो यहाँ आपको सेफ राइड करनी है। जैसे जैसे आप पहाड़ पे चलते जाओगे तो आपको अपने आसपास ट्रैक पर बर्फ और बर्फ के पहाड़ देखने को मिलते रहेंगे। यहाँ आप किसी भी सीजन आओ, बट आप अपने साथ विंटर क्लोथ जरूर लेके आना, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। जलोरी पास मार्च से दिसंबर तक ओपन रहता है, उसके बाद हैवी स्नोफॉल होने की वजह से यहाँ का रास्ता बंद कर दिया जाता है। जलोरी पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे, आपके सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत वादियाँ होगी। यहाँ पर आपको चारों तरफ बर्फ से ढके बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देंगे। अगर आप यहाँ अक्टूबर या नवंबर में जाते हो तो आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। यहाँ आपको खाने पीने के लिए ऑलमोस्ट सब मिल जाएगा, बट चाय और मैगी का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होगा, बिकॉज जब हम लोग गए थे तो यार मैंने तो चाय और मैगी से ही अपना पेट भरा था। रात को हम डिनर करते थे सीधा कैंप में जाके, और दिन भर अपना ट्रैवलिंग के टाइम पहाड़ों की मैगी और चाय पर ही जिंदा रह देते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको काली माता का मंदिर भी मिलेगा देखने के लिए, जहाँ पर आप जाइए माता के दर्शन कीजिए। इसके बाद यहाँ से आपको 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है, फिर आपको जाना है सरोनसर लेक। ये लेक विंटर के टाइम में पूरी तरह बर्फ से जम जाता है। पहाड़ों के बीच स्थित ये लेक बहुत खूबसूरत है। इधर आपको पूरी नागिन का मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। कहते हैं ये नागिन 60 नागों नागिनों की देवता है। यहाँ के लोकल लोग इस मंदिर की बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं अपने मन के अंदर। इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है, जिसके बारे में मैं डीप में नहीं जाने वाला, बट हाँ, घूमने के लिए ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी है। मोस्टली जो लोग जलोरी पास आते हैं वो इस मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। इसके बाद आप सीधा जा सकते हो रघुपुरा, जिसका डिस्टेंस जलोरी पास से 3 किलोमीटर का है। ये 3 किलोमीटर आपको ट्रैकिंग से ही कवर करने होंगे, जिसका रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। इस फोर्ट की कुछ ही दीवारें अब खड़ी हैं, बाकी यहाँ से आपका जो व्यू होगा देखने के लिए वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। इसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपनी कैंपिंग भी कर सकते हो। रघुपुरा फोर्ट घूमने के बाद आप सीधा जा सकते हो जीवी वाटर फोर्ट, जिसका डिस्टेंस जलोरी पास से 12 किलोमीटर का है। ये डिस्टेंस आप 30 मिनट में कवर कर लोगे। जीबी वाटरफॉल जंगल के बीच में है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 5 से 10 मिनट की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। ट्रैकिंग का रास्ता आपका छोटे छोटे पुल से होकर गुजरेगा, जिसके नीचे वाटरफॉल का पानी बहता है। ऑलमोस्ट तीर्थन वैली के सबसे मशहूर वाटरफॉलों में से है ये। फिर इसके बाद आप जा सकते हो चैनी कोटी, जिसको चैनी कोट भी बोलते हैं।
यहाँ तक पहुँचना आपके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा। जीबी वाटरफॉल से इसका डिस्टेंस 8 किलोमीटर का है, जिसको कवर करने के लिए टाइम आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि 6 किलोमीटर तक ही ट्रैक ठीक है, उसके बाद रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है और डेंजरस भी है। अगर आप इधर कार से आ रहे हो तो 2 किलोमीटर ही आपको कार पहले पार्क करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको पहाड़ों के ट्रैकिंग से चैनी फोर्ट जाना होगा। बट जो लोग बाइक से आ रहे हैं वो सीधा चैनी फोर्ट आ सकते हैं, बट ये रास्ता इतना डेंजरस है कि आपकी सारी ड्राइविंग स्किल ये बाहर निकाल देगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको एक हैवी ड्राइवर बनना पड़ेगा, वो वाला नहीं परफेक्ट वाला। चैनी फोर्ट 1905 में हिमाचल में आए भयंकर भूकंप से करीब 28,000 लोगों की मौत हो गई थी। इस भूकंप ने कांगड़ा जिले और कुल्लू में भारी दबाई मचाई थी। भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि 203 मंजिल मकान भी ढह गए थे। लेकिन हैरान करने वाला ये फोर्ट 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी झेल गया था। इस फोर्ट के बीच में आई दरार उसी भूकंप की निशानी है। चैनी फोर्ट जो कि सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बनाया गया फोर्ट है, इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है, आप बाद में गूगल पे सर्च कर लेना। बट घूमने के लिहाज से ये चैनी फोर्ट और चैनी गांव बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ आपको रहने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, बट हाँ खाने के लिए आपको यहाँ पे मोमोज, मैगी, चाय, अंडे वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ भी आपको छोटे छोटे बच्चे देखने को मिल जाएंगे, आप चाहो तो यार इनके लिए भी चॉकलेट लेके आ सकते हो, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और उन बच्चों को भी अच्छा लगेगा। यहाँ आसपास आपको बहुत सारे एप्पल के पेड़ दिख जाएंगे, आप चाहो तो एप्पल तोड़ के खा सकते हो, बट हाँ पहले उनसे परमिशन ले लेना जिनका वो पेड़ है। इसको घूमने के बाद आप सीधा फिर अपने कैंप या होटल जो भी आपने बुक किया है आप सीधा वहीं चले जाना। फिर आपका आता है थर्ड डे, जिसमें आप ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में जा सकते हो। यहाँ आपको बहुत सारे जंगली जानवर देखने को मिल जाएंगे। इस पार्क की स्थापना 1984 में हुई थी और ये 1171 किलोमीटर क्षेत्र में 1500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। इसके अलावा आप चाहो तो मेरी तीर्थन वैली के ब्लॉग देख सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से सीधा अपने घर भी जा सकते हो, जिसके लिए आपको जहाँ भी आपने स्टे किया था वहाँ से चेकआउट करके आना, जिससे कि आपका उस दिन का चार्ज भी नहीं लगेगा और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा आने और जाने। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब आप तीर्थन वैली पहुंचोगे तभी आपको एक सी व्यू और ये सब चीजें देखने को मिलेगी। जैसे ही आप चंडीगढ़ क्रॉस करते हो आते टाइम हिमाचल में एंट्री करने के बाद ही आपको एक से एक व्यू देखने को मिलेंगे, जिनको देख देख कर आप कब तीर्थन वैली पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा। इस चैनल के अंदर आपको मेरी मोटो ब्लॉगिंग और टूर इन्फॉर्मेशन की मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ, जिससे कि आपको वहाँ पहुँचने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो वो एक टू जेड चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस यही था आज की इस वीडियो के अंदर, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं 1K सब्सक्राइबर मेरे होने वाले चैनल पे। और वीडियो को लाइक कर देना, इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हो उसके साथ ये शेयर कर देना। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।